नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा है रोहिंग्याओं की। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, म्यांमार से रोहिंग्याओं को खदेड़ा जा रहा है, इस समस्या को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको एक बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में देखता हूं और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा विद्रूप है जो सभ्य समाज के चेहरे पर एक बड़ा बदनुमा दाग है, एक कलंक है, और इसको हमें एक प्रतीक मानना चाहिए। दुनिया के कई देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या फिर ऐसी जातियां हैं जो सदियों से प्रताड़ित होती आई हैं, उनके साथ अपनी ही जमीन पर जिस तरीके से बर्बर क्रूर व्यवहार होता आया है, आप देखिए कि श्रीलंका इस समस्या से जूझता रहा, खुद भारत में, हिंदुस्तान में ये समस्या रही, आज सीरिया में, यमन में जो हो रहा है वो यही है, पाकिस्तान में जिस तरीके का व्यवहार शियाओं के साथ या दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ होता है, मुझे लगता है कि एक मानवीय त्रासदी है। पहले हम ये समझ लें कि ये रोहिंग्या मुसलमान जिनको लेकर पूरी दुनिया में इतनी चर्चा हो रही है, ये हैं कौन? रोहिंग्या मुसलमान दरअसल बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक बड़ी चर्चा का विषय बने रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार जो है, जिसको हम बर्मा भी कहते आए पहले, उसमें दक्षिण पश्चिम में जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तटीय इलाका है, वहां पर रखाइन करके एक प्रांत है, उसको अराकान भी कहा जाता है। इस रखाइन प्रांत के जो निवासी हैं उनको रोहिंग्या मुसलमान कहा जा रहा है। उनकी समस्या सबसे बड़ी ये है कि जहां वो रह रहे हैं वहां के लोग उनको अपना मानते नहीं, जहां का उन्हें माना जाता है वो देश उन्हें स्वीकारता नहीं। इनकी संख्या छोटी मोटी नहीं, लगभग 10 लाख से ज्यादा ये लोग हैं, ये वहां पर रखाइन अराकान प्रांत जो है म्यांमार का, वहां पर बसते हैं, और म्यांमार में इनको अभी मतदान का भी अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं आने जाने का भी अधिकार नहीं है, नौकरी करने का अधिकार नहीं है। तो आप किसी एक समुदाय को जब उसकी जड़ों से, उसके लोक व्यवहार से, उसकी संस्कृति से काट देंगे तो निश्चित ही उनकी जो त्रासदी है उसको समझा जा सकता है, वो फिर अपराध की तरफ बढ़ते हैं, उनकी जो पूरा सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। म्यांमार बौद्ध धर्म बहुल देश है, वहां पर बौद्ध लोग ज्यादा हैं और वहां के जो स्थानीय बौद्ध लोग हैं वो इन रोहिंग्याओं को मानते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं और ये बांग्लादेश से आए हैं, और वो आम बोलचाल की भाषा में उनको बंगाली कह के ही पुकारते हैं। तो जहां पर आप बसे हुए हो वहां के लोग आपसे गले मिलना नहीं चाहते। बांग्लादेशी जैसा कि उन्हें माना जा रहा है वो नहीं मानते खुद को, वो मानते हैं कि वो रखाइन के रहने वाले हैं और वो यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन जो उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है वो बांग्लादेश उनको अपना मानता नहीं है, वो कहता है कि ये वहीं के लोग हैं और वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं तो हम क्या करें। बल्कि बांग्लादेश म्यांमार को लगातार हिदायत देता रहता है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि ये बार बार शरणार्थियों के रूप में हमारे यहां नहीं आए। तो जिस देश में वो रहते हैं तो इनकी जो हालत है उन परिंदों से भी बुरी है, जिसके पास कम से कम एक घोंसला होता है, एक अपना पेड़ होता है जहां पर वो रह सकता है और अपने घोंसले से, अपनी आशिया से, अपनी जमीन से कटने का जो दर्द होता है, अपनी पहचान खोने का जो दर्द होता है, वो इन रोहिंग्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। और इस समस्या को मानवीय सहानुभूति से देखना चाहिए। और ये एक विडंबना है कि आंग सान सूची जो एक शांति की प्रतीक बनकर उभरी म्यांमार में, जिन्होंने इतने सालों बाद 25 साल बाद जब चुनाव हुए वो चुनाव जीते, हालांकि वो संवैधानिक दिक्कतों से राष्ट्र की प्रमुख नहीं बन पाई, लेकिन अभी वो जिस रूप में चला रही है वो देश वही चला रही है, और वो इस समस्या को लेकर लंबे समय तक चुप रही। अभी उन्होंने चुप्पी तोड़ी भी है तो उन्होंने कहा है कि गलती रोहिंग्याओं की भी है, ये स्वाभाविक है कि हो सकता है उनकी गलती हो, उन्होंने देश की समस्याओं को लेकर या शांति भंग करने की कुछ कोशिशें की हों, लेकिन मेरी आपत्ति है कि इस वजह से आप पूरे समुदाय को उसी रंग में नहीं रंग सकते। दूसरा, आप एक देश की नेता होने के नाते इस तरह का वर्ग भेद करके लोगों को नहीं देख सकती। ये एक बड़ी संकट की घड़ी है जहां आंग सान सूची को एक नेतृत्व देना चाहिए, और अगर वो कहीं के भी आप उनको मानते हो लेकिन अगर इतने सालों से आपकी धरती पर बसे हैं तो उनको गले मिलकर अपनाना चाहिए। हिंदुस्तान के को लेकर बात हो रही कि हिंदुस्तान क्यों नहीं आया, हिंदुस्तान इसलिए सबसे बड़ा सबक है, इस धरती पर जो लोग आए वो यहां के होकर ले गए और लगातार यहां पर लोग बाहर से आते रहे और इस धरती के बनकर रह गए। अगर रोहिंग्या म्यांमार को अपनी जमीन मानते हैं, और 10 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है, अकेले भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या आ चुके हैं, तो मुझे लगता है पूरी समस्या पर बात करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि देखना चाहिए। जो रखाइन प्रांत के बाशिंदे हैं उनको रोहिंग्या मुसलमान कहा जा रहा है, 10 लाख से ज्यादा इनकी संख्या, लेकिन जहां पर ये बसते हैं वहां पर चूंकि बौद्ध समुदाय का आधिपत्य जाता है, वो लोग ज्यादा हैं, वो इनको स्थानीय नहीं मानते हैं और इनको दुत्कारते हैं और इनसे एक बुरा व्यवहार करते हैं, और वहां की सेना पर भी इनके ऊपर अत्याचार करने के आरोप लगे। साथ ही इन रोहिंग्याओं के असामाजिक गतिविधियों में, अपराधों में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के भी संकेत भी मिले और प्रमाण भी मिले। उसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कोई अगर इस तरीके से सामाजिक आर्थिक रूप से विपन्न समुदाय है, लगातार उपेक्षा का शिकार है, तो वहां के युवा
अलावा निश्चित ही अपराधों की तरफ मुड़ सकते हैं। ये उसका कोई उनको उसकी वजह से न्याय संगत नहीं हो जाता उनका अपराधों में शामिल होना, लेकिन ये खुद आंग सान सूची को सोचना होगा कि अगर इनका उत्थान होगा, इनकी बसाहट ठीक होगी, इनका सामाजिक ताना बाना ठीक होगा, आर्थिक रूप से ये बेहतर कार्यों की तरफ मुड़ सकेंगे तो उनके ही देश की शांति के लिए बेहतर है और वहां पर शांति स्थापित हो सकेगी बजाय आतंकवाद की तरफ जाने के। ये लोग म्यांमार के विकास में भी तो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ही म्यांमार पर दबाव क्यों नहीं बनाता ताकि रोहिंग्याओं को अपनी जमीन ही न छोड़ना पड़े? ये ज्यादा सही उपाय है। जिसकी जो जमीन है, जमीन से कटने का दर्द भारत भी बेहतर जानता है। यहाँ पर बहुत लोग विस्थापित हुए हैं। आज कश्मीरी पंडितों को ही देख लीजिए, उनको अपनी जमीन से जब हटना पड़ा वो देश में दर दर भटक रहे हैं। हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में जब भटकते हैं तो उनका दर्द हमको बेहतर मालूम है। तो इस दर्द को हम समझते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो जमीन है जहाँ बरसों से वो बसे हुए हैं वहां पर आप उनको वोट देने का अधिकार नहीं देते, वहां आप उनको अपना नागरिक नहीं मानते, वहां पर आप उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उनको अनुमति लेनी पड़ती है, वहां की सेना द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो पूरी दुनिया को इस पर कड़ा दबाव बनाकर कोशिश करनी चाहिए। ये कोई समस्या नहीं है कि भाई सीरिया में युद्ध छिड़ गया तो आप वहां, हां युद्ध के हालात हैं उस वक्त वो कहीं पनाह ले ले, लेकिन वापस वहां जो जिस धरती का है, जिस जमीन का है, वो वहां पर अगर नहीं बसेगा तो निश्चित ही उसके लिए भी दिक्कत होगी और जहां वो जाएगा उस देश के लिए भी दिक्कत होगी। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे रोहिंग्या शरणार्थियों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।